हेलो एवरीवन, यू और वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, अपने पीजी एडमिशन के लिए आप सभी ने अपना सीयूटी पीजी का एग्जामिनेशन दिया होगा, चाहे वो बीएड हो, एमए हो, किसी भी कोर्स का आपने जो भी एग्ज़ाम दिया था, जिस किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, तो आपने दे चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन सभी स्टूडेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। इसमें आप सभी को क्या करना है कि अपना जो CSAS का रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, उससे पहले आप सभी को अपनी एक ABC ID होती है जो कि क्रिएट करनी होती है। अब दोस्तों ये जो ABC ID है, ये क्या है, क्यों बनानी है, क्या इसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो ABC ID क्या होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ABC ID एक तरह का आपके पास एक स्टूडेंट ID की तरह यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जिसमें दोस्तों अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पर आपने जितने भी क्रेडिट पॉइंट्स अर्न किए हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा, चाहे वो आपके किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो एक सब्जेक्ट हो, चार सब्जेक्ट हो, एक आप क्रेडिट पॉइंट को आप जो एक तरह से मार्क्स के तौर पे समझ सकते हैं कि आपको इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स मिले, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स मिले, कहीं ना कहीं जो क्रेडिट पॉइंट्स होता है वो आपको अपने आईडी में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या इसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता? हाँ दोस्तों, इसके बिना जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे CSAS का, तो उस टाइम पर दोस्तों आपको जो है ABC ID की जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक अपना ABC ID क्रिएट नहीं किया है दोस्तों, तो जल्द से जल्द अपनी ABC ID जो है बना ले। किस तरह से दोस्तों आपको अपनी ABC ID बनानी है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो पहले से बना के दी गई, उसमें आपको हर एक चीज़ अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि ABC ID किस तरह से क्रिएट करनी है। तो दोस्तों यही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को देनी थी कि ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी ABC ID नहीं बनाई है, वो जल्द से जल्द बना ले। दोस्तों किस तरह से आपको बनाना है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के दी गई, उस वीडियो का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बिना दोस्तों ABC ID क्रिएट किए CSAS का रजिस्ट्रेशन मत करना, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप सभी से जो है इसकी ID मांगी जाएगी। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप सभी को देनी थी इस वीडियो में। दोस्तों केवल इतना ही।